सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर संजय गुरमीत ब्लॉग। सो गाइज, आज हम जा रहे हैं इतने टाइम बाद हल्की फुल्की छोटी सी शॉपिंग करने। वो शॉपिंग भी क्या है, बच्चों की, क्योंकि अभी तक आज है, मतलब कल धनतेरस है, आज 28th है, परसों हमारी एनिवर्सरी है, उसके बाद छोटी दिवाली वाले दिन हमारी एनिवर्सरी है, देन उसके बाद दिवाली है, तो इस बार एनिवर्सरी तो हम सेलिब्रेट कर नहीं रहे हैं। एंड दूसरी चीज़ कि गाइज, अभी तक बच्चों की शॉपिंग नहीं हुई है, जो उनको दिवाली पर ड्रेसेस डालनी है, जो पहनना है, ना बच्चों की शॉपिंग हुई है, ना हस्बैंड की शॉपिंग हुई है, किसी की नहीं, क्योंकि गाइज आपको पता है घर में काम चल रहा है, और काम भी अभी हमारा बहुत सारा रह गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, फुल व्लॉग आएगा उसका। अभी सिर्फ अभी तक हमारा रूम कंप्लीट नहीं हुआ, बाहर डाइनिंग एरिया है, सब कुछ है, मतलब बिल्कुल किचन विचन कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ, और सिर्फ हमारे पास रह गए हैं 2 दिन, और हमारा वॉलपेपर वाला है, जो हमारे जो भैया हैं जो इंटीरियर कर रहे हैं, वो हमें 2-3 दिन से खूब बना रहे हैं कि आज आ जाऊँगा, आज आ जाऊँगा, आज आ जाऊँगा, आते हैं फिर वही लेट आते हैं, 8 बजे तक, रात को 4 बजे तक काम करते हैं, 2-2.5 बजे तक, और 2 बजे वो छोड़ के जाते हैं, तो 2 घंटे हमें भी सब कुछ समेटने में लगता है, सब कुछ सेट करने में लगता है, गंदगी वगैरह हटाने में लगता है, तो रोज़ आजकल क्या हो रहा है, 4-5 बजे सो रहे हैं हम रात को। कल भी ऐसा ही था, हम सब 4-5 बजे तक सोए थे। अब क्या है, आज तो वो आए नहीं है, आज उन्होंने इतना तगड़ा धोखा दे दिया कि वो आए ही नहीं, हमारी जो वॉलपेपर वाले भैया हैं, जिनसे पूरा ऊपर वगैरह, ऊपर का वॉलपेपर, देन उसके बाद साइड्स की दीवारों का सब कुछ जो चेंज होना है, वो आए ही नहीं है, ठीक है। तो अब उसके चक्कर में भी बहुत टेंशन है, तो मैंने कहा वो टेंशन तो साइड रखो, आप लोग अपनी तो शॉपिंग करो, क्योंकि बच्चों ने, हस्बैंड जी ने कोई भी कपड़े नहीं खरीदे, और मेरी ड्रेसेस भी अभी बनी नहीं है, मेरी ड्रेसेस भी अभी गिन्नी के पास ही रखी हुई हैं, अब वो बनेंगी तब मैं लेकर आऊँगी, इस बार तो बहुत लेट हो गया। इवन हम लोगों ने दिवाली की शॉपिंग भी नहीं करी गाइस, दिवाली की शॉपिंग भी नहीं हुई, आप ये सोचिए। तो दिवाली शॉपिंग भी अब मे बी शायद हम कल जाएंगे, तो उसका व्लॉग भी जल्दी से आएगा। अभी हम जा रहे हैं दर्श दक्ष के लिए और हस्बैंड जी के लिए शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग इन द सेंस हम देखते हैं, मैंने इनके लिए डिसाइड किया कोई हैवी सा, तीनों सेम चीज़ें पहने, तीनों हैवी से, मतलब हैवी फैब्रिक हो कोई अच्छा सा, दिवाली जैसे होती है ना, दिवाली कितना बेस्ट त्यौहार है, दिवाली से बेस्ट कुछ नहीं है, सबसे बेस्ट त्यौहार है दिवाली हिंदुओं के लिए, सबसे ज़्यादा स्पेशली, तो दिवाली पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे चाहिए होता है कि हम सब हैवी पहने, सुंदर से दिखें। तो अभी देखते हैं क्या डिसाइड होता है, क्या हम लोग चूज़ करते हैं, तो बच्चे भी साथ में जा रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं पटेल नगर, जहाँ से हम, मेरे हस्बैंड जी का कुर्ता पजामा बनता है, जहाँ से बच्चों का हम कस्टमाइज़ कराते हैं, तो पटेल नगर शॉप है उनकी, मैं आपको दिखाऊंगी, देन अब निकलते हैं। चलिए, हो गए रेडी जान? मैं तो रेडी हूँ, तब से मैं यही सुन रही हूँ, मैं तो रेडी हूँ, ठीक है गाइस। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से, और देखता हूँ मेरा कुर्ता बनता ही नहीं बनता है, किस डिजाइन में बनता है ये भी नहीं, ये भी देखना पड़ेगा कि मैडम ने क्या सोच के रखी है हमारे लिए, वैसे मेरे लिए सही बता, हमारे लिए कोई सोचता ही नहीं है। अच्छा ऐसे मत, ये अपना ही, इनके सारे को तैयार है, एनिवर्सरी, दिवाली, पूजा, छठ, सब तैयार होगा इनका, भाई हम जैसे बेकार लोग कुछ भी तैयार नहीं है, हमारे भैया सब डले हुए हैं ना, मतलब डले हुए हैं ना, हमारे क्या है, मैं हर चीज में एकदम एक्यूरेट रहती हूँ, जल्दी जल्दी चलना होता है, तुम्हारे एक हफ्ते से नोरे खा रही हूँ, चलो चलो चलो, बंदा जाने को तैयार नहीं है। अच्छा अब घर में काम कौन कराएगा, इनको तो घूमना, इधर जाना जाना लगा रहता है, हमारा तो हमारा तो काम है। चलो गाइस कोई नहीं, नहीं हुआ तो वही पहन लेंगे बनियान और उसमें चले जाएंगे कहीं भी। अच्छा ऐसे तो होने तुम, बड़ा हाँ कोऑपरेट नहीं करता ये आदमी कपड़ों को। चलो गाइस फिर है, तो कितना अच्छा सजाएगा ये देखो, ये अभी घर है, खैर मैंने भी सजा लिया सब अपना घर, हमारा पहला घर सबसे बेस्ट, हमारा व्हाइट है, ये येलो आ जाता है, डार्क येलो कर दिया। चलो गाइस फिर देखता हूँ कौन सा कुर्ता सिलता है हमारा, चलो मिलवाते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं, आ चुके हैं, देखते हैं क्या बनाते हैं, ये देखते हैं हमारे लिए क्या बनता है ये भी नहीं पता। चलो ये देखो फैशन क्लब यहीं से बनवाते हैं हम, पटेल नगर। चलो नहीं अभी नहीं खाना, चलो हाँ भैया अभी देखो बाहर लेने आ गए, चलो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं, अब देखते हैं आगे, यहाँ दो भाई कपड़ा दो जल्दी से, काफी सारे फैब्रिक है यहाँ पे, लेकिन हमें हमारे पास खुद का फैब्रिक है, लावारी की तरह बनता है, अब बनने के बाद क्या लुक आती है देखते हैं। यहाँ पे ये सारे फैब्रिक्स हैं, इसके हिसाब से हम बनवा सकते हैं, और ये मेरी लुक, मैंने वही वाला सरगी वाला सूट डाला है, कैसी लुक लग रही है, ग्लोइंग ग्लोइंग कुछ भी नहीं लगाया, ओनली लिपस्टिक लगा कर आई हूँ मैं, हल्का सा ब्लशर बस, ठीक है। गाइस ये दोनों कितनी लड़ाई कर रहे हैं, ये शोरमा की लग रही है इनको दोनों को, पहले अपना साइज दे दो बनवाने के लिए, ये अपना साइज वगैरह दे रहे हैं, नहीं नो
आते हैं गाइस, हर जगह नॉटीनेस कर दिया इसलिए पहली बार। तो फाइनली गाइस थोड़ा कपड़ा कम बढ़ गया है। दक्ष का और दैश का, ये तीनों में से दो का बन सकता है। जान बोलो जल्दी पापा जी, ब्लैक मैजिक। अब जल्दी से बहुत ज्यादा बताने में क्या देख रहे हो? और दिखा दो फिर डिजाइन। ये तो मैंने देखे हुए, ये तो फैब्रिक से, तो ये सारे फैब्रिक्स तो नए हैं मैम, ये सारे फैब्रिक्स तो नए हैं। ये वाले तो मैं दिखाई नहीं रहा, ये नीचे जो पड़े वो तो आप देख रहे हो, ये नए हैं, ऊपर वाले नए हैं। सो गाइस, कुर्ते पजामे का साइज वगैरह देके सब कुछ फाइनल हो गया। इवन अभी हम लोगों ने ना, इस बीच में आपको नीरज लिपस्टिक हटी हुई दिख रही होगी, इस बीच में हम लोगों ने ना 1 kg शरीफा लिया था खाने के लिए ऐसी गाड़ी के अंदर। और ये देखो बच्चे खा भी रहे हैं और हस्बैंड जी गए हुए हैं, तब से वो ऑनलाइन कुछ उनको चेक करना था, तो इस चक्कर में वो गए हुए हैं साइबर कैफे अंदर। और पीछे पीछे ठीक है, हाँ साइबर, और क्या बोलते हैं ठीक है। और ना उन्होंने अपने लिए भी रखा था, हमने सारा खा लिया। अब वो अब देखते हैं उनका क्या एक्सप्रेशन रहता है, देखना अभी देखना गाइस। मैं छुपके से शूट करूंगी अगर कर पाई तो, ये देखो फोटो पे लग भी रहा है, तो मैं बताऊंगी उनका क्या रिएक्शन रहता है कि सारा खा लिया। क्योंकि हम लोगों ने टाइम पास के लिए ऐसी गाड़ी के लिए खरीदा था कि चलो शरीफा खा लेंगे रास्ते में चलते चलते, तो वो जब से गए तब तक हमारे 1 kg शरीफा था, 1.5 kg हम दोनों हम तीनों ने मिल के खा लिया सारा। और उनके लिए बेचारा उन्होंने चखा भी नहीं, ठीक है हाँ, क्योंकि मीठा बहुत है। और ये ना वो पुणे वाला है, बड़े वाला, मतलब वो क्या बोलते हैं महंगे वाला कह रही हूँ, बड़े वाला, बड़ा वाला साइज होता है ना, एक नॉर्मल शरीफा होता है, एक बड़े वाला पुणे का आता है ये शरीफा, वो वाला हमें बहुत टेस्टी लगता है। तो अब देखते हैं पीछे का। 700 रुपए क्यों, क्या हुआ? चावल वगैरह ले लिया ना। अच्छा ठीक है ठीक है, माचिस ठीक है दे रही हूँ। चलो गाइस पैसे को बढ़ा दे गया पपीते, क्या कह रहे हो? नहीं वो सारे खा गए क्या? हाँ शरीफ पक बचा ही नहीं। क्या सच में नहीं बचा? नहीं मैं बाबू लेके आऊंगा, लेके आता हूँ। नहीं अब क्या, आप घर चलो यार, अब ये शरीफा ही खरीदते रहेंगे। अपने लिया था, मुझे सब खा जाओगे, सब खा जाओगे बैठे बैठे। तो तुम इतनी देर के लिए छोड़ के चले गए, हमारा मुंह नहीं चल रहा था, टाइम खराब कर दिया आप लोगों ने। हद है गाइस, ये बच्चे ना इतने बदतमीज है ना, इन्होंने गाड़ी भी खराब कर दी शरीफा खाने में। चलो कैसा लगा, हम लोगों ने खा लिया, आपके लिए बचाया है। 1 kg और लेकर आऊंगा। अरे दुकान बंद हो गई होगी, अब रहने दो। फाइनली गाइस हम लोग घर आ चुके हैं और जो हमारा मेन काम था वो हम लोगों ने कर लिया, मतलब इनकी पूरा साइज वगैरह दे दिया, बच्चों का भी, दक्ष का, मेरे हस्बैंड का, सबका साइज दे दिया। अब देखते हैं कब सिल कर आते हैं। और ना मेन क्या है, मतलब फैब्रिक मैं खुद लेकर आई थी रजौरी से, मैंने फैब्रिक ले लिया था 6.5 meters, मतलब 6.5 meters फैब्रिक ले लिया था इन तीनों के हिसाब से। और अब जो बनेगा, और आप देखना गाइस जो फैब्रिक लाई थी मैं, जो मैंने वहाँ पे शॉप पे फैब्रिक देखा, बिल्कुल मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया उसके मुकाबले जो चीज़ मैं लेकर आई थी अपने बच्चों का और हस्बैंड के लिए। तो जब बनेगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मैंने कुछ भी रिवील नहीं करा, ना उसका कलर, ना ही मैंने कौन सा लिया है और क्या बनने वाला है वो भी नहीं। तो अब आप जब बनेगा तब देखना, जब ये दिवाली पे पहनेंगे तब आप मुझे बताना कैसा लगा। अब देखते हैं, उनको मैंने बोल दिया है कि दिवाली से पहले दे देना, देखते हैं दिवाली से पहले देते हैं या नहीं देते, यार देना तो पड़ेगा ही दिवाली से पहले, वरना ये क्या पहनेंगे। इन लोगों के पास टाइम नहीं था जाने के लिए तो ये गए नहीं। तो चलिए गाइस आगे व्लॉग में बने रहिएगा, अब मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ, ठीक है, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और मैडम के यहाँ पैक कराने के लिए, जैसे मैडम पैक होगा फिर यहाँ से निकलेंगे, ठीक है आ जाओ आप भी खाओ। तो गाइस मैंने खुद भी खा लिया और गुरमीत के लिए पैक करवा दिया, मैं आया था यहाँ पे, ठीक है इन्होंने ले लिया उनके लिए भी, अब चलो निकलते हैं। गाइस मैं आ गया घर और मैडम खा भी लिया और उन्होंने अपना पचा भी लिया, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि गाइस आज है धनतेरस, तो हम लोग जा रहे हैं दिवाली शॉपिंग पे, तो नेक्स्ट वाला ब्लॉग आएगा हमारा दिवाली शॉपिंग वाला, वो जरूर देखना, ठीक है। इसी के साथ ही ब्लॉग करते हैं एंड। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बाय।